ठीक है। तो सर वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैंग सर और सैनिक सर आपका। महीने का शुरुआत है और अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि सर महीने में जो जो शुरुआती जो हमें गिरावट दिखने को जो मिल रहा है और जो बाहरी जो बाजार है जो संकेत दे रहा है, जैसे कि डाउ जोन्स देख लीजिए, निके देख लीजिए, तो सर अब मैं चाहता हूँ इस महीने का आप मतलब व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक कि क्या लग रहा है कि मार्केट अब क्या रिएक्शन दे सकता है, क्या मार्केट का टॉप बन गया, यहाँ से हमें तेजी दिखेगा, बाइंग ऑन डिप के अभी भी चलेगा या फिर सेल ऑन राइज में हम कन्वर्ट होने वाले हैं, मतलब व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक। फिर उसके बाद हम आगे आएंगे LTECG या जो भी न्यू फॉर्मेशन जो हो रहा है, FNO पे जो हो रहा है, तो हम धीरे धीरे सभी बातों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं मार्केट से, तो मैं सर शुरुआत करते हैं आपसे, प्लीज प्लीज गो अहेड, आप अपना व्यू रखिए। देखिए मुकेश, क्या है कि बाजार तो ऊपर नीचे बाजार का फेनामिना है और बाजार ऑलमोस्ट मान के लिए 18,600 700 से लेकर सीधे 25,000 हो गई। वही करेक्शन 1,000 पॉइंट का वो एक निज रिएक्शन था उस दिन इलेक्शन का, जो जिस दिन एग्जिट पोल आया था और जिस दिन एग्जिट पोल आया उस दिन ऊपर गया, उसके बाद एग्जिट पोल जब आने लगा तो बाजार आया, निज रिएक्शन था। तो बाजार तो लगभग लगभग मान चलिए कि 15,200 से ही रैली ले रही है बाजार, और 2022 में 15,200 आई थी, वहां सीधे 25,000 10,000 पॉइंट का रैली हो गया मार्केट में ऑलमोस्ट, ठीक है, विदाउट एनी करेक्शन। तो करेक्शन तो आता है बाजार में, आएगा भी, और बट मेरा अपना मानना है कि बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक रहना हमेशा फायदेमंद रहता है, बाजार से कहीं रहे, और बाजार का काम है ऊपर नीचे, अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है। और मैं अभी 7-8 जो पिछले 100 सालों में 7-8 मंदी आई है तो सब का एनालिसिस कर रहा था पिछले सैटरडे को, तो मैं ये चीज पाया कि चूंकि हमको तो बहुत ज्यादा 20-22 साल हुए 23 साल मार्केट में, और लेकिन मैं पूरा प्रीवियस डेटा, चूंकि मेरे पास काफी रिकॉर्ड्स रहता है, तो मैं देख रहा था कि मंदी का जो ड्यूरेशन है ना धीरे 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 कम होते जा रहा है बिल्कुल। अब जैसे अभी 100 ईयर साइकिल कंप्लीट होगा 1929 में ग्रेट डिप्रेशन को, 4 साल चली थी साइकिल, ठीक है, उसके बाद फिर लगातार बाजार में तेजी आई, फिर जाकर के वो मतलब 35-36 से जो बाजार बुल रन पकड़ा तो सीधे 1970-72 तक चली गई मार्केट, लगातार 25-30 साल रैली रहा बाजार का। फिर वहां करेक्शन आया 15-17% का, फिर 87 में करेक्शन आया, और फिर उसके बाद 92 में इंडियन में आया हर्षद मेहता, फिर 2000 में आया बबल .com का, फिर 2008 में आया डेट क्राइसिस का। बट जो ड्यूरेशन मंदी का है ना वो धीरे 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 कम होता जा रहा है उसका फेस। तो मेरा अपना मानना है कि देखो बाजार में अभी क्रैश वाला सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं लगता 100 ईयर साइकिल के पहले क्रैश आएगा। अगर क्रैश आना होगा बाजार में जैसा कि पेंडेमिक में हुआ था, जैसा कि 2000 मतलब 8 में हुआ था, तो मुझे 28-29 से पहले तो दिखता नहीं। और उस कंडीशन में क्या है कि अभी ना मैं देख रहा था कि जो हाई कैप स्टॉक्स थे ना वो भी सब रन अप ले लिए हैं, कोई नहीं, आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले एचयूएल आपको 22-23 रुपये मिल रहा था वो भी 28 हो गया, ब्रिटानिया मिल रहा था 4,500 रुपये पे वो भी 5,800 हो गया, हीरो होंडा 4,200 मिल रहा था वो भी 5,400 हो गया, आप समझोगे, TCS 3,600-3,700 मिल रहा था वो 4,500-4,500 हो गया, इन्फोसिस 1,500 मिल रहा था वो 1,900 रुपये हो गया। तो जितने भी लार्ज कैप स्टॉक जो नहीं चले थे एक्सेप्ट HDFC बैंक और कोटक बैंक को छोड़ दो हैं, वो सारे रन अप ले चुके हैं, तो नीचे की लेवल पे टॉप क्लास के जो स्टॉक्स हैं वो भी अभी नहीं है, आप समझ रहे हो बात को। तो करेक्शन तो ड्यू है और मेरा अपना मानना है कि अपने स्ट्रेटजी पे आप सजग रहिए, और जो इन्वेस्टर है उनको तो इन्वेस्टेड रहना ही चाहिए, उनका तो पैसा बाजार में वही लगना चाहिए जो कि यू नो सरप्लस मनी हो। तो बाजार तो निफ्टी तो हो सकता 20,000 है, हो सकता 18,000 है, हो सकता 12,000 है, नो बडी नो इसका कोई, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसको तो इन्वेस्ट रहना है कंटिन्यूस बेसिस पे। ट्रेडर के लिए बाजार कहीं भी जाए जितनी अच्छी वोलेटिलिटी उतनी अच्छी ट्रेडिंग। अब डाउ जोन्स अभी मैं देख रहा था 1,000 पॉइंट गिरा हुआ, अपनी अपनी मार्केट में उसमें 100-100 पॉइंट गिरी हुई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपना मेरा मानना है कि जब तक आप मान चलो कि 23,700 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक बाजार में मेजर डिप आने की संभावना कम है। ओके ग्रेट ग्रेट वंडरफुल वंडरफुल सैनिक सर, नाउ इट्स टू
थैंक यू मुकेश, मैं पूरी सहमत हूँ मयंक सर के विचार पे। क्योंकि क्या है, अभी देखो आप भी पूछ रहे हैं अभी टॉप हो गया है क्या। कल ही ऑल टाइम हाई हुआ है निफ्टी में, अभी हम सोच रहे हैं कि अभी टॉप हो गया है। तो अब मार्केट जब गिरेगा या जब टॉप होएगा, जब कोई पूछता ही नहीं, तो अभी सब लोग एवरीडे पूछ रहे हैं ये टॉप हो गया क्या, 24,500, 24,800, 25,000। एक दिन ऐसा आएगा, करेक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये बेयर मार्केट के लिए नहीं, जब बोलेंगे कि ये और एक टॉप आएगा, ऊपर आएगा, ये टॉप नहीं है बोल के। वो टाइम पे सतर्क रहना चाहिए। अभी तो जो मयंक सर ने बोल रहे हैं कि ये जो मंदी की जो ड्यूरेशन है वो कम होते रह जा रहे हैं। आप हमारे मार्केट भी देखिए किधर भी, तो अभी जो भी आएगा, करेक्शन आएगा तो अच्छा ही है ना। जो इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडर हो, उसको करेक्शन ही आना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा नीचे बाय कर सकता है। तो मैंने ऐसा देखा है कि जो मेरे जो मित्र थे, बहुत सारे मित्र जो अभी इतना बेरिश हो गए हैं, इतना बेरिश हो गए हैं, अभी बोल रहे हैं नहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, गवर्नमेंट पंप कर रहा है पैसा, क्यों जा रहा है ऊपर, ऐसा नहीं जा सकता है, वो हम कौन है जो रोक सकते हैं। मैं एक आपको एक दो उदाहरण दूंगा। एक तो सिंपल, जो देखिए जो आज की जो फॉल हुई है, जो मयंक सर भी बताया कि मार्केट, जो भी विश्व के मार्केट है, मिनिमम 2% गिरे हैं। हमारे मार्केट देखिए 1% गिरा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी तो आज पॉजिटिव में गया था थोड़ा टाइम पे। तो ये कैसा मार्केट है, कि तो ये कैसा करेक्शन हो सकता है कि विश्व में ऐसा गिर रहा है, हमारे मार्केट नहीं गिर रहा है बोले तो कुछ ना कुछ देर इज सम फंडामेंटल रीजन फॉर दैट। तो मैंने सोच रहा था कि ये जो बैंक निफ्टी इज द वर्स्ट मोस्ट हेटेड इंडेक्स हो गया है अभी। आई विल जस्ट शो यू अ चार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। किसी को पूछो ये मार्केट में क्या है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी छोड़ो, हम मिड कैप में जाएंगे या निफ्टी में जाएंगे या किधर भी जाएंगे। माइंड सर भी बताया कि जो भी निफ्टी के कंपोनेंट्स है वो ऊपर गए हैं, इट ड्यू फॉर करेक्शन। अभी बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी तो करेक्शन हो रहा है, जुलाई में ही पीक हुआ है, उसके बाद वो स्लोली नीचे आ रहा है। तो मैंने सोचा कि सब लोग ये बैंक निफ्टी को इतना हेट कर रहे हैं, मगर अपॉर्चुनिटी किधर है ये मार्केट में। तो मेरे ख्याल से मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, ये आश्चर्यजनक चार्ट है कि बैंक निफ्टी में ही हमको तेजी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, मैं आपको शेयर करूंगा एक। प्लीज, मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। आप सर हाँ एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी लगाना और हाँ देखना कि स्टेज ए बनाने के बाद स्टेज टू की तरफ फॉर्मेशन बना रहा है। वो तो हाँ 1750 की तरफ जाने का एक 1750 की तरफ जाने के लिए वो तैयार हो रहा है। तो करेक्ट, मेरे को लगता नहीं कि चूंकि एचडीएफसी बैंक भी और एक्सिस बैंक को भी अगर आप देखो तो मुझे नहीं लगता कि वो 15-20 रुपए से ज्यादा नीचे करेक्ट होगा। लेस की मार्केट में बहुत ज्यादा कोई फॉल आता है, ठीक है, करेक्ट, कोई ऐसी न्यूज आ जाए तो एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे तो वो फॉर्मेशन ऊपर की तरफ ले रहा है, बिल्कुल स्टेज टू बना रहा है और काफी देर कंसोलिडेट, काफी दिनों से कंसोलिडेट करने के बाद वो रनअप लिया है। तो मुझे लगता है कि 1750 की तरफ वो जा रहा है। तो मुझे बहुत करेक्ट, निफ्टी में हो सकता है करेक्शन आ जाए, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ से। ओके, मैं शेयर करूंगा अभी। ये देखिए, ये जो है, ये चार्ट है प्राइस वर्सेस पी रेशियो ऑफ बैंक निफ्टी। प्राइस वर्सेस, ये जो रेड है वो प्राइस है, बैंक निफ्टी का प्राइस। ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, वो है पी रेशियो। ये मैं 5 ईयर चार्ट दिखा रहा हूं। ये देखिए, अराउंड अराउंड 19 में पी रेशो 39 था बैंक निफ्टी का, उससे लुढ़क के गया और इट वेंट विथ दी प्राइस। अभी देखिए डाइवर्जेंस हो गया है, प्राइस ऊपर जा रहा है मगर ईपीएस ज्यादा हो रहा है, इसलिए पी रेशो कम हो गए। अभी आज का पी 14.93 है, 15 के नीचे है, ये 5 ईयर लो है पी रेशो। अभी हम सोच रहे हैं बैंक निफ्टी ऊपर गया, ये ऊपर गया, वो ऊपर गया, बैंक निफ्टी का कंपोनेंट्स मैं बोल रहा हूं। ये तो आश्चर्यजनक है कि
ये 5 ईयर लो पे पड़ा है, 5 ईयर लो। कोई इंडेक्स ऐसा नहीं है जो निफ्टी देखिए या मिड कैप माइक्रो कैप कुछ भी देखिए, दे आर एट 52 वीक हाई और एट ऑल टाइम हाई, ऐसा है। मगर ये देखिए 5 ईयर है लो। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा विथ क्रैश, जो भी क्रैश हो, कैसा हो सकता है? माइंड सर ने बताया कि स्टेज 2 पे है। तो ये कंपोनेंट्स भी देखिए, ये जो कोटक बैंक या SBI या कुछ HDFC बैंक, तो इसमें कितना जा सकता है नीचे? अभी आ गए 15 PE, 14.93 इज द 5 ईयर लो। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जो देख रहे हैं, ये जो ये जो भी देख रहे हैं मार्केट को, ये दूसरे गलत तरीका से देख रहे हैं मेरे मेरे ख्याल से। अभी मार्केट में द बेलवेदर ऑफ मार्केट, मैं जो भी देखा हूं 1990 से, जब फॉरिनर्स आते हैं वो कभी भी बैंक्स खरीदते, पहला इंडिया, इफ यू वांट टू बाय इंडिया बाय द बैंक्स, बाय द फाइनेंशियल्स, वो ऐसा बोल के ही आते हैं। तो इफ बैंक्स आर एट दिस लेवल, व्हाई हाउ कैन इंडिया बी एक्सपेंसिव मार्केट, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये दिखा रहा है। तो आई फील अभी यूफोरिया नहीं आया है सरप्राइजिंगली बड़े बैंक शेयर्स में, आया होगा माइक्रो कैप में या SME में आया होगा इन सम पार्ट ऑफ मार्केट। मगर जो हमारे इकोनॉमिक बैरोमीटर जो है, मार्केट के बैरोमीटर, उस शेयर्स में अभी तक नहीं आए हैं। ये तो उदाहरण साहब ने दिए, HDFC बैंक या ये कोटक बैंक, ऐसा कई सारे बैंक से, आप SBI भी इंक्लूड कीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा इंक्लूड कीजिए, कैनरा बैंक, जो भी है, ये यूफोरिया में तो नहीं है। पी रेशियोज बिलो 15। तो मैं सोच रहा हूं कि इट इज नॉट इन डेंजर जोन, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक्स। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आप दोनों की बातों को मर्ज करूं तो अभी बेटर है स्टॉक स्पेसिफिक ही हमें रहना चाहिए, इंडेक्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं मंदी है कहीं तेजी है, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर है कि स्टॉक स्पेसिफिक हम रहें और उस पर जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है भैया उस हिसाब से ट्रेड करें। मैं राइट, ये सही है यहां तक? यस ग्रेट करेक्ट। वंडरफुल। तो सर अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं सर। अब वैसे हम पॉडकास्ट बहुत दिनों बाद कर रहे हैं, 2-3 हफ्ता हमसे स्किप हो गया, ड्यू टू मेरा पर्सनल रीजन था टेक्निकली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये बीच में जो अब ये जो नियम आया LTCG, ये वो जो नियम है, इसके लिए मैं सर के साथ मैंने एक सीजन बनाया था कि हाँ ये हो रहा है, बट दोबारा हम करते हैं। तो सर मैं चाहता हूं कि आप लोग साइड ले ले कि कौन सही है बोलेगा कौन गलत है बोलेगा, तो अच्छा रहेगा सर, एक तरह का डिबेट हो तो समझ में आएगा, या फिर दोनों सही है बोलेंगे या दोनों गलत है बोलेंगे, ये आप दोनों डिसाइड कर लो। मैं सर कौन सा साइड जाना आपको? नहीं, तब नहीं, जो सही होगा वो सही बोलेंगे, जो गलत होगा गलत बोलेंगे। साइड वोट क्या होता है? तो ठीक है, बताइए फिर ये जो नियम आया, जो बात 10 से 12 हो गया, 15 से जो 20 हो गया, फिर FNO में जिस टैक्स तरह का जो कानून चल रहा है सर, ये क्या सही है? टैक्स तो रिवर्ट हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15 से 20 हुआ था वो फिर 15% आ गया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12.5% किया। वो उनको पता है कि शॉर्ट टर्म बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 100 में से 1 लाख में से 2 ट्रेडर कमाता है, तो उसको साला चाहे 100% कर दें क्या फर्क पड़ता, मिलना तो कुछ है नहीं। उनको पता नेट में पैसा इन्वेस्टर ही लेके जाता है, तो उसको बढ़ा दो 10 से 12.5 कर दो, फिर उसको अगले साल 15 कर देना, बराबर हो जाएंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों। और ये सर जो गवर्नमेंट की STT पे जो आया पॉलिसी हुआ है, है। एसटी बढ़ा दिया इन्होंने, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो चाहिए। उन्होंने उनको जो वीकली एक्सपायरी बंद कर रहे हैं और वीकली एक्सपायरी एक ही करेंगे, तो उनको रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, तो इसलिए एसटी उन्होंने बढ़ाया। और लॉट साइज में थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि आज सेबी के एक एम्प्लॉय ने, मतलब जो भी एसोसिएट पर्सन होगा, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अगर इतना रूल हो जाएगा तो लोग बेटिंग ऐप की तरफ भागेंगे और डब्बा ट्रेडिंग की तरफ भागेंगे। ये जितने भी सेबी के जो ऑफिशियल्स हैं, पता नहीं कहाँ से रिसर्च करते हैं क्या करते हैं, जिसको डब्बा ट्रेडिंग, आज तक मेरे 25 साल हो गए, पता नहीं सैनिक सर को तो 30-35 साल हो गए, आज तक दिल्ली में एक डब्बे वाले को नहीं जानता मैं। सही बात। और जो जो जिसके लिए रूल्स आ रहा है, बेसिकली वो बच्चे 20 साल 22 साल के बच्चे हैं, जो कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मम्मी से पापा से पैसे लेकर के, पॉकेट मनी लेकर के, या कुछ
बैंक से लोन लेके इधर उधर करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको डब्बे डुब्बे के बारे में क्या पता हो, तो सीधे यूट्यूब पे ऐड देख रहे हैं ब्रोकर्स के, ऑनलाइन अकाउंट खोल रहे हैं और अपना काम शुरू कर रहे हैं। 2 लाख से शुरू करते हैं, वो 3 दिन में ऑप्शन में पैसा जीरो हो जाता है, तो उनको रोकने की प्लानिंग चली है। और फिर बेटिंग ऐप पे लोग शिफ्ट होंगे या डब्बे में शिफ्ट होंगे, इसकी वजह से तो फिर बाजार ही बंद कर दो ना, मार्केट ही बंद कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से कि जो लॉट साइज थोड़ा सा जो 15 लाख या 25 लाख करने जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से फ्यूचर में अगर स्टॉक्स में कर दिया इन्होंने, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाएगी, बिकॉज कि अभी कोई लॉट 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए का, वो 25 लाख हो जाएगा। तो जो आदमी या जो ट्रेडर 1,000 क्वांटिटी खरीदता था, अब उसको 1 लॉट लेने के लिए 5,000 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी, तो उसका कैपिटल जो 5 दिन में जीरो होना था, वो 1 दिन में जीरो हो जाएगा। बात को समझो आप। तो अगर आपके पास 20 लाख रुपए है, तो अगर आपका लॉट साइज 5 लाख रुपए का है, तो आपको अगर जीरो भी होना है, तो सपोज दैट 5 डे लगेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन अगर 5 लॉट कर, अगर आपका 5,000 का लॉट हो गया, तो 25 लाख रुपए 1 दिन में चला जाएगा आपका। तो फ्यूचर में तो लॉट साइज बढ़ाना ये बिल्कुल फिजिबल नहीं है, बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि कैपिटल और ज्यादा डूबेगा लोगों को और ड्राई हो जाएगी मार्केट। 25 लाख कौन करेगा फिर, तो आदमी कैश में काम करेगा ना, कुछ भी हो जाए। अगर 4,400 पे भी कोई टीसीएस लेता है और 3,400 भी आ गया, हम कह रहे 2,200 भी आएगा, तो डीपिंग तो पड़ा रहेगा कम से कम, कभी तो 5,000 होगा 2-4 साल बाद। तो इसलिए कैश की ट्रेडिंग बढ़ेगी। और जहां तक ऑप्शंस, जब ये ऑप्शन आया था, वीकली ऑप्शन आया था से 2-3 साल पहले, तभी मैं बोल दिया था इसकी लॉन्ग ड्यूरेटी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये तो पूरा सट्टे करवा रहे हो तुम भाई, ऑप्शंस रोज ऑप्शंस की एक्सपायरी करवा रहे हो, क्या मतलब है इसका। तो जो मर रहे हैं बेसिकली, वो मर कौन रहा है। अभी पेपर में एक दिन आर्टिकल देखा कि एक सज्जन पुणे के थे, वो 1.70 लाख रुपए जो एक दे दिए किसी को ऑप्शन में, 3 दिन में खत्म कर दिया वो पैसा। तो ये पैसा बेसिकली जो छोटे ट्रेडर जो 1 लाख 2 लाख रुपए नुकसान कर रहे हैं, वो तो हमेशा करते रहेंगे सर, वो बाजार कहीं भी रहे कुछ भी कर दो, उसमें कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि जो इलीगल जो ट्रेडिंग अकाउंट मैनेज कर रहे हैं क्लाइंट्स के ट्रेडर्स, वो टोटल के टोटल 100% ऑप्शन में सट्टे मार रहे हैं, 100%। ठीक है, और लोग ये समझ नहीं पाते हैं, इस तरह के गिमिक क्रिएट करते हैं रील्स बना करके इंस्टाग्राम पे और यू नो यूट्यूब पे, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, दे देते हैं। लोगों को विजडम नहीं है, दिमाग नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकता है कोई। तो इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट का रूल है सर। देखो 2000 सैनिक सर को पता है एसटीटी नहीं था, एसटीटी लगा तो बाजार खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं होता, ये 2-4 दिन का मेहमान है, फिर बाजार अपने आप सब चीज सेटल कर लेती है। ठीक है, और जहां तक टैक्स का सवाल है, टैक्स 12.5% गवर्नमेंट कर दी है, इससे पूरी दुनिया में लॉन्ग टर्म यू नो इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अब उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो बेटर ये है कि आप कंप्रोमाइज करो, अपने काम पे फोकस करो, ज्यादा बेटर है। इस डिस्कशन में कुछ रखा नहीं, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाओगे, फिर वो डिस्कशन करना और फिर जो है कि गवर्नमेंट को चिल्लाना गाली देना, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ग्रेट उससे ग्रेट क्या होगा वंडरफुल। बताओ। नहीं नहीं बिल्कुल सही, अपने काम पे और सर फोकस करना। ये जो टीवी पे आकर के बजट बजट के 3 दिन पहले से रोन मतलब एक तरह फेस्टिवल बना देते हैं ट्रेडर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, ये सब फ्रॉड है, दीज आर द फ्रॉड्स एक्चुअली, ये सब कुछ नहीं होता है एक्चुअली, दुनिया में लोग समझते नहीं है ना, और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। दुनिया में पॉलिटिशियन से ज्यादा डेंजरस पॉलिटिकल मीडिया और फाइनेंशियल मीडिया है, आप जान लीजिए अच्छी तरीके। और इसका जो गेम है, इस गेम को समझने के लिए
10-20 साल देना पड़ेगा और रिसर्च करनी पड़ेगी। तो लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते जी, हमने हमारे बोलने से कुछ नहीं, सैनिक सर सर के बोलने से कुछ होने वाला है। और मैं तो अभी कोई 50 लाख रुपए लेके आया हुआ है सपोज दैट बाजार में, मैंने 4-5 स्टॉक का रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता, मैंने बताया कि ये शेयर देखो कहाँ से कहाँ चले गए 2 महीने 1 महीने के अंदर। अगर वो लगा दिया होता पैसा तो 40-45% रिटर्न 1 महीने में आ गए होते। ऑप्शन में टॉयलेट जाने के लिए भी टाइम नहीं होता लोगों को, ठीक है, और 1 रुपया नहीं बनता किसी का, गारंटेड 1 रुपया, 1 सिंगल रुपीज दूसरे ऑप्शन ट्रेडर का 1 रुपया नहीं बनता किसी का। अरे भाई 1500 रुपये पे, 1460 रुपये पे आपको इन्फोसिस मिला था 1 महीने पहले, सर 1900 रुपये हो गया, क्या चाहिए आपको? 2 महीने पहले हिंदुस्तान लीवर 2200 रुपये ट्रेड हो रहा था, 2800 रुपये हो गया। TCS 3600-3700 ट्रेड हुआ था, 4500 रुपये हो गया। 2 महीने पहले ब्रिटानिया 4400 रुपये ट्रेड करा था, 6000 रुपये 5800 रुपये हो गया। सर 50 लाख का अगर ढंग से काम करो, बियर मार्केट नहीं है, बुल मार्केट चल रहा है, तो आपका पैसा तो ऐसे ही हर साल डबल हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है टॉप क्लास के स्टॉक्स में। फिर क्यों ये बैठ करके ये ऑप्शन का रोना रोना मेरे समझ से परे है। बिल्कुल, ऑप्शंस एक हेजिंग टूल है और इस हेजिंग टूल का उपयोग बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ट्रेडर से मैं यही बोलता हूँ कि मेरे से बोलते हैं सर अगर मैं स्टॉक लॉन्ग कर लूँ उसकी जगह ऑप्शंस ले लूँ हेज करने के लिए, मैंने कहा भाई ऑप्शन की जगह स्टॉप ऑफ लगा ले, नहीं एडजस्टमेंट ही करते रह जाएगा सर, पैसा भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन हु मेक्स मनी इन ऑप्शंस समझने की कोशिश, मैं पहले ही बताया हूँ फिर बता रहा हूँ। ऑप्शंस में पैसा वो बनाता है जो 12% 15% के लिए काम करता है, और मैं पहले ही बताया हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स हैं जो ये मम्मी पापा पैसा लेके आ रहे हैं, ऑप्शन में कॉल पुट का काम कर रहे हैं, इनके पैसे को खाते हैं। आप सर बुधवार की एक्सपायरी ले लो, बृहस्पतिवार की एक्सपायरी ले लो, ट्यूजडे की एक्सपायरी ले लो, ठीक है, हर एक्सपायरी के दिन देखो कैसे स्पाइक आता है, इधर भी मारती है निफ्टी को, फिर निफ्टी को, मिड कैप निफ्टी को उधर भी मारता है, ठीक है। तो ये बड़े जो हाई फ्रिक्वेंसी फर्म्स, जो बड़ी फर्म्स हैं जो गुड़गांव में, बेंगलोर में, मुंबई में बैठी हुई हैं, ये बेसिकली 5-5 लोग एक कमरे में बैठे हुए 20 बाई 20 के, और साल का 10,000 करोड़ रुपए ये मम्मी पापा जो पैसे लेके आ रहे हैं इनका लेकर के अमेरिका और कनाडा और सिंगापुर चले जा रहे हैं। ये समझना बड़ा मुश्किल है, और समझेंगे कहाँ भाई, मैं तो कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, ना तो विजय सर हैं, वो सुनेंगे किसका जो टीवी पाते हैं, ठीक है, तो उनको पता नहीं है को कौन लोग हैं, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो मेरा यही मानना है भैया कि जो नहीं सजग रहेगा वो हर जगह धोखा खाएगा, सिंपल सी बात। नहीं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे विचार सर, बहुत ही अच्छा लगा। और आपने बहुत ही सिंपल तरीके समझाया कि भाई किधर फोकस करना चाहिए, कौन से एरिया पे फोकस करना चाहिए। इट्स गुड टू नो। चलिए विजय सर, नाउ इट्स योर टर्न, प्लीज विचार रखें। मैं सिर्फ दो ही पॉइंट बताऊंगा। एक तो ये जो गवर्नमेंट ने ऊपर किया शॉर्ट इस ये जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, आप 100 ट्रेडर्स को पूछिए कि व्हाट हाउ मच सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यू आर पेइंग नाउ, 99 पीपल विल नॉट नो हाउ मच देयर पेइंग। So if they've increased, decreased, when they've increased in the past, how much they've increased, they will not know. Because क्या है, when they are concentrating on trade, they are looking at the price. They are not looking at the cost difference. So they are looking at price and saying, तो 2 रुपए ऊपर गया, काट दो। So they are not seeing what proportion of it is going in ये जो cost. So it is irrelevant. Second point, अगर इतना relevance था, तो market बजट के बाद, दिस बजट इज स्पेसिफिकली टारगेटेड अगेंस्ट द मार्केट। ये पहला बजट देख रहा हूं इतना बजट में। ये देखिए, तीन प्रॉब्लम्स किए हैं मार्केट पे, एक तो एसटीटी, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एंड दो और किए हैं वो और रियल एस्टेट के बारे में एंड गोल्ड के बारे में। सो एक्चुअली फाइव
प्रपोजल्स जो भी है, पांच प्रपोजल जो भी बजट में है अगेंस्ट मार्केट है, फिर भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर ही गया। तो आप ऐसा क्या कंपैरिजन कर सकते हैं या व्हाट एनालिसिस कैन यू डू व्हेन मार्केट डजंट केयर? तो वेदर आई केयर, यू केयर, मायंक सर केयर, छोड़ दिए जी, प्राइस इज टेलिंग मार्केट इज इन बुल और बेट, मार्केट ऊपर ही जाने का है, आप कितना भी टैक्स लगाओ ऊपर ही जाने जाएंगे जाएगा। सो दैट इज पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर टू एक बोल रहा हूं जो मायंक सर ने बताया कि अगर आपने ये जो लॉट साइज इंक्रीज किए, अभी थोड़ा थोड़ा स्लोली द वॉल्यूम विल कम डाउन, जब मार्केट बेरिश टर्न में आएगा दैट टाइम लिक्विडिटी विल कंप्लीटली बी ड्राइड, दैट टाइम वो वाटरफॉल डिक्लाइन होगा। तो मैं सोच रहा हूं कि दे शुड नॉट डू दिस, ये अगर किया तो अभी अभी कुछ नहीं होगा, बट जब मार्केट टर्न होगा वो टाइम पे लिक्विडिटी में बहुत धक्का लगेगा क्योंकि लिक्विडिटी उधर कम होगा। आप देखिए ये जो निफ्टी फ्यूचर में आजकल लॉट साइज वही है, कम ही है, बट वॉल्यूम इज नॉट देयर इन निफ्टी फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर्स में वॉल्यूम चालू है, इंक्रीज इन लास्ट 10 ईयर्स, निफ्टी फ्यूचर्स में परसेंटेज इंक्रीज कम है, ऑप्शंस में तो बहुत ज्यादा है, स्टॉक फ्यूचर्स में ज्यादा है। अगर स्टॉक फ्यूचर्स में आपकी हो तो इट विल बिकम लाइक निफ्टी फ्यूचर्स। निफ्टी फ्यूचर एटलीस्ट पीपल बड़े बड़े लोग ट्रेड करते हैं, ये स्टॉक फ्यूचर्स में सब लोग ट्रेड करते हैं। अगर स्टॉक फ्यूचर्स को कम किया आपने लिक्विडिटी, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन मार्केट टर्न्स यू विल हैव प्रॉब्लम। इतना ही दो बात बोल सकता हूं। नहीं, वंडरफुल वंडरफुल सर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा सेशन था, सब चीजों को हमने संक्षेप में कर दिया। और बस एंड में यही बोलने चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो भी है कि भैया स्टॉक स्पेसिफिक रहे, मार्केट में ना जाए, क्या हो रहा नहीं हो रहा किसी को नहीं पता, चाहे खबर अच्छा हो चाहे खबर बुरा हो, मार्केट को थोड़ा जो करना है वो करेगा। तो सर कुछ है मैं सर कुछ ऐड करना है और इसमें? सा मैं ऐड करूंगा कि अभी मैं डेविड रयान का इंटरव्यू देख पढ़ रहा था, उसने बहुत अच्छी बात बोली। उसने बोला कि ऑप्शंस में जो डिसेशनरी ऑप्शंस ट्रेडर हैं, जो डिसेशनरी करते हैं, एक्चुअली वो अपने को रिच नहीं, ब्रोकर को रिच बनाते हैं। तो इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड है। मैं सभी तुम्हारे दर्शकों को बोलूंगा कि ये मोमेंटम मास्टर बुक है, इसको पढ़े, ठीक है। इसमें 1 लाख डॉलर से लोगों ने 30 30 मिलियन डॉलर बनाए हैं। राउंड टेबल इंटरव्यूज हैं, आपस में डिस्कशन है, चार पांच ट्रेडर्स हैं, ठीक है, सबका नाम है, मोस्ट ऑफ लोग जो हमारे बाजार में नाम जानते हैं, इसको पढ़ो, ये रियलिटी है कि 1 लाख डॉलर से 30 मिलियन डॉलर 5 साल में कैसे बना है, बाय स्विंग ट्रेडिंग कैश मार्केट, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये इस बुक्स को मंगाए लोग, और इस बुक्स को 4 5 बार पढ़े कम से कम, कुछ भेजा, कुछ दिमाग खुले लोगों को, ठीक नहीं, है। लिटरली सर और बहुत ही अच्छा बुक है, मैंने भी पढ़ा है। ऑप्शंस में सट्टेबाजी करना बंद करें, ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू मैंग सर, थैंक यू सैनिक सर, इट्स बीन लवली। ऑप्शंस में ट्रेड करके, मैं खुल के बोलता हूँ, खुद के बात कर खुल के बात करता हूँ, ऑप्शंस में ट्रेड करके अपने यहाँ विंटर सीजन में जब 200 रुपए किलो गोभी होती है ना, तो उसको नमक रोटी पे आप आ जाते हो, और जो 200 रुपए किलो वाली गोभी है या 700 किलो वाला जो मशरूम है, 1200 किलो वाला, वो जीरोधा और ग्रो और तुम्हारे दुनिया भर के जो ब्रोकर कैप हैं वो खाते हैं तुम्हारे पैसे से, तुम साले कंगाल होते जा रहे हो, वो अमीर होते जा रहे हैं। ट्रू ट्रू इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सर बहुत ही सही, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए सर, इट्स बिन लवली टॉकिंग टू यू सर, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू सर।